चेक करना है इसका
जो भी मैंने कहा था कि जो भी लास्ट टर्म होगी उसमें हम x की जगह क्या पुट करते हैं, x plus theta h। तो यहाँ अगर 2 तक इसकी लास्ट फॉर्म थी तो इसमें हमने क्या पुट किया है, x plus theta h, ठीक है। और हमें फंक्शन दे रखा है fx equal x की cube plus x। उसने बोला है कि हमें एक क्वेश्चन में कि ये सारी वैल्यूज निकालो, इसी क्वेश्चन में रखो और हमें थीटा की वैल्यू यहाँ से चाहिए, ठीक है। और रूल वही है, कंडीशन वही है कि थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका, देखिए क्या सॉल्यूशन है इसका। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, fx plus h। तो fx की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, x की क्यूब प्लस x। हमें क्या चाहिए, fx plus h, ठीक है, यही चीज चाहिए। निकालेंगे तो x की जगह क्या पुट कर देंगे, x plus h। तो यहाँ x plus h का होल क्यूब प्लस x plus h, ठीक है, ये चीज आ गई। नेक्स्ट देखिए हमें क्या चाहिए, fx हमारे पास है, हमें चाहिए f dash x। तो निकाल लेते हैं हम f dash x, यहाँ से निकाले हम f dash x का, हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 h square plus 1, ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, f double dash x plus theta h। तो सबसे पहले हम निकालेंगे f double dash x। तो जैसे ही हम f double dash x निकालेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, 6x, ठीक है, ये बन जाएगा। और x की जगह आपको पुट क्या करना है, x plus theta h। तो f double dash x plus theta h की वैल्यू हमारे पास देखिए क्या आ जाएगी, 6x plus theta h, ठीक है, यही वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब हम सारी वैल्यूज हमने निकाल दी, अब हम इसमें पुट करते हैं, ठीक है। तो पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करते हैं, ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं। तो जैसे ही पुट करेंगे तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू ये रही हमारे पास, एक्स प्लस एच का होल क्यूब प्लस एक्स प्लस एच, ठीक है। इक्वल में चेक करें तो एफ एक्स एक्स, एफ एक्स की वैल्यू एक्स की क्यूब प्लस एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस नेक्स्ट क्या चल रहा है हमारे पास, एच स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। और हमारे पास एफ डबल डैश की वैल्यू क्या है, 6x प्लस थीटा एच, ठीक है, ये वैल्यू चल रही है। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो नेक्स्ट स्टेप करें अगर हम इसको, तो यहाँ से देखिए पहले a प्लस x प्लस h का होल क्यूब खोलें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की क्यूब प्लस h की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर h और प्लस में 3x h स्क्वायर, ठीक है, यही आ जाएगा। प्लस में हमारे पास क्या चल रहा है, x प्लस h। इक्वल में चेक कीजिए तो x की क्यूब प्लस h और साथ में क्या चल रहा है हमारे पास, इसका अंदर मल्टीप्लाई करें तो 3x स्क्वायर h, ठीक है। और प्लस में हमारे पास क्या चल रहा है, h चल रहा है और प्लस हमारे पास देखिए ये 2 से 6 कैंसिल आउट हो गया, यहां पे 3 बच जाएगा, तो 3x स्क्वायर x प्लस में हमारे पास 3x स्क्वायर x और प्लस में देखिए क्या बच जाएगा हमारे पास, प्लस 3 थीटा h की क्यूब, ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास। अब देखिए x की क्यूब से हमारा x की क्यूब कैंसिल आउट हो गया, नेक्स्ट चेक करिए और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है हमारा, तो देखिए यहां पे हमारे पास 3x स्क्वायर h है और यहां भी हमारे पास 3x स्क्वायर h है, तो कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 3x h स्क्वायर 3x h स्क्वायर कैंसिल आउट, x से हमारा x कैंसिल आउट एंड x से हमारा x कैंसिल आउट, पीछे क्या बच गया, इधर वाली साइड बचा हमारे पास h की क्यूब एंड इधर बच गया हमारे पास 3 थीटा h की क्यूब, तो क्या बचा हमारे पास, h की क्यूब और इक्वल में 3 थीटा h की क्यूब। हमें क्या करना है, सिर्फ थीटा की वैल्यू चाहिए तो h की क्यूब से हमने h की क्यूब कैंसिल आउट कर दिया, पीछे क्या बच गया हमारे पास 1 इक्वल 3 थीटा, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1/3, जो कि एग्जिस्ट कर रही है किससे किसके बीच में, 0 से 1 के बीच में, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, हमें स्टेटमेंट इसमें दे रखा था कि हमारे पास स्टेटमेंट है fx plus h equal fx plus h f dash x plus h square by 2 factorial f double dash x plus theta h। उन्होंने बोला कि fx की वैल्यू हमारे पास ये है, हमें f जितनी भी वैल्यूज इस स्टेटमेंट में है वो सारी वैल्यूज हमें निकालनी है, वापस इस स्टेटमेंट में पुट कर लिया और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, थीटा की। तो सबसे पहले हमने fx plus h निकाल लिया, देन हमने f डैश निकाल लिया, देन हमने f डबल डैश निकाल लिया, सारी वैल्यूज निकाल लिया हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी, जो चीज कैंसिल आउट हो रही थी वो हमने कैंसिल आउट कर दी और पीछे हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा h की क्यूब इक्वल 3 थीटा h की क्यूब, तो h की क्यूब से h की क्यूब कैंसिल आउट हुआ, पीछे क्या बचा, 1 इक्वल 3 थीटा। जैसे ही थीटा की वैल्यू निकाली तो क्या बचा, यहां से
देखिए एग्जांपल सेकंड क्या गिवन है हमें एग्जांपल सेकंड में, तो एग्जांपल सेकंड देखते हैं हमें। देखिए स्टेटमेंट में बता देते हैं आपको क्या स्टेटमेंट दिया गया है इसमें। इन्होंने बोला है प्रूव दैट द लिमिट ऑफ थीटा यूज्ड इन लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम टेंड्स टू 1/2। हमें क्या चीज प्रूव करनी है कि थीटा की जो लिमिट है यानी थीटा की जो वैल्यू है वो क्या आएगी हमारे पास 1/2 आएगी। ठीक है, किस कंडीशन में? आगे बोला है व्हेन h टेंड्स टू 0, कब हमारे पास क्या है h टेंड्स टू 0 है। ठीक है, एंड सेकंड प्रोवाइडेड f डबल डैश x इज कंटीन्यूअस एंड f डबल डैश x इज नॉट इक्वल टू 0। दोबारा सुन लीजिए स्टेटमेंट में उसने क्या बोला है, प्रूव दैट द लिमिट ऑफ थीटा यूज्ड इन लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, हमें लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम यूज करनी है, टेंड्स टू 1/2। थीटा की लिमिट किसकी ओर टेंड्स हो रही है, 1/2 की ओर। ठीक है, when h tends to 0, h tends to 0, provided f double dash x, हमें f double dash x provide किया गया है, यानी हमारे पास exist कर रहा है, is continuous, ठीक है, and f double dash x not equal to हमें क्या दिया गया है, 0 दिया गया है, ठीक है, तो हमें prove करने के theta की limit है, वो हमारे पास क्या आएगी, 1/2 आएगी, तो मैं direct इसका solution लिखती हूँ example second का, statement में नहीं लिखती हूँ, statement मैंने आपको बता दी कि statement है क्या, कि हमें theta की limit 1/2 prove करनी है, इसका use करके Lagrange theorem का use करके f double dash x हमारे पास जो provide है हमें जो given है वो हमारे पास continuous है और 0 के equal नहीं है। तो सबसे पहले जो इसने बोला है Lagrange theorem, ठीक है, तो पहले हम Lagrange theorem use करते हैं। by Lagrange theorem क्या statement होता है हमारे पास Lagrange theorem का, तो Lagrange theorem का हमारे पास statement होता है क्या, f x plus h minus f x या equal f x प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच। ठीक है, ये लाग्रांज थ्योरम का सिंपल स्टेटमेंट हो गया। अभी हमने टेलर थ्योरम के साथ भी लाग्रांज थ्योरम पढ़ी है, तो बाय टेलर थ्योरम, तो टेलर थ्योरम की हमने क्या कंडीशन पढ़ी है, अब देखो सबसे पहले आपके पास इसमें कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स तक है, तो हमें इसकी भी जो वैल्यू है वो 2 टर्म्स तक ही चाहिए। ठीक है, यानी एफ x plus h equal आ जाएगा हमारे पास f x plus h f dash x plus h square upon 2 factorial f double dash x plus theta h। अब देखिए आप इनको define करने के लिए अलग अलग theta define करने के लिए यहाँ theta 1 theta 2 अपने अकॉर्डिंग मान सकते हैं, अगर आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं आपको समझ में आना चाहिए तो आप थीटा का थीटा भी रख सकते हैं, चाहे तो आप इसको थीटा वन मान लीजिए। ठीक है, उससे हमारे क्वेश्चन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने टेलर थ्योरम में ये फॉर्म यूज कर ली। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमें एफ एक्स प्लस एच सी चीज दे रखे है, एफ एक्स प्लस एच सी इक्वल हमें ये दे रखा है, तो हमें देखिए इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है दोनों इक्वल है, तो दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। जैसे हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करेंगे तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जैसे ही यूज किया मैंने इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को, तो देखो इक्वल रखने के बाद मेरे पास एफ एक्स से एफ एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अगर रखना चाहिए तो हम रख सकते हैं कि एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच इक्वल आएगा हमारे पास एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स और प्लस में हमारे पास एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस थीटा 1 एच। ठीक है, ये चीज आ गई, तो एफ एक्स से हमारा एफ एक्स क्या आ रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। पीछे देखिए क्या बच गया हमारे पास, बचा एच एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच इक्वल में हमारे पास क्या बच गया, एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस थीटा 1 एच। ठीक है, अब देखिए f डैश का ये टर्म्स में दोनों अलग कर लेते हैं, f डबल डैश को अलग पढ़ा रहने देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको भी इधर ले आए तो h हमारा कॉमन आ गया, पीछे हमारे पास देखिए क्या बच गया, पीछे हमारे पास बच गया f डैश x plus theta h और उधर हमारे पास बच गया क्या, f डैश x, तो f डैश x plus theta h और यहाँ बच गया हमारे पास माइनस में एफ डैश एक्स, क्योंकि एच को क्या कर चुके हैं, कॉमन ले चुके हैं, और इक्वल में हमारे पास क्या पड़ा है, एच स्क्वायर अपॉन 2 f डबल डैश x प्लस थीटा 1 h। ठीक है, ये चीज आ गई, अब देखो एक h से हमारा एक h कैंसिल आउट हो गया, पीछे क्या बच गया, f डैश x प्लस थीटा h माइनस f डैश x इक्वल में h अपॉन 2 f डबल डैश x प्लस थीटा 1 h। ठीक है, इक्वेशन थर्ड गिवन हो गया इसको। ठीक है, तो टू इक्वेशंस तक हम पहले यूज कर चुके हैं, अब
डबल डैश से, क्योंकि क्या किया हमने एक तरीके से उसका डिफरेंशिएशन इग्नोर किया। तो x प्लस, अब देखिए h को हम थीटा डैश h से रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये थीटा तो एज इट इज, और ये वाला हमारा थीटा डैश जो है वो हमारा लगा देगा थीटा डैश h। ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास। अब देखिए ये हमारे पास इक्वेशन आ गई फोर्थ। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। देखिए इक्वेशन थर्ड में हमारे पास क्या पड़ा है, f डैश x प्लस थीटा h माइनस f डैश x इक्वल h बाय 2 f डबल डैश x प्लस थीटा 1 h। इक्वेशन फोर्थ में देखिए हमारे पास क्या चल रहा है, f डैश x प्लस थीटा h माइनस f डैश x इक्वल थीटा डैश h f डबल डैश x प्लस थीटा थीटा डैश n। चेक करें दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है ना, f डैश x प्लस थीटा h माइनस f डैश x f डैश x प्लस थीटा h माइनस f डैश x। तो हम क्या लिखेंगे, बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। जैसे इसकी राइट हैंड साइड बराबर होगी तो देखो एच बाय टू, जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ ऊपर या उधर वाली साइड यहाँ लिख देती हूँ मैं, क्या आएगा हमारे पास एच बाय टू। नेक्स्ट क्या चल रहा है हमारे पास, एफ डबल डैश एक्स प्लस थीटा वन एच। ठीक है, ये चीज आएगी हमारे पास यहाँ से। नेक्स्ट इक्वल में हमारे पास क्या आएगा, थीटा डैश एच एफ डबल डैश थीटा डैश एच एफ डबल डैश। नेक्स्ट क्या चल रहा है हमारे पास, एक्स प्लस थीटा थीटा डैश एच एक्स प्लस थीटा थीटा डैश एच। ठीक है, यही चीज चल रही है बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास। अब हमें पता है कि सारे थीटा एक जैसे हैं। ठीक है, मतलब थीटा तो थीटा ही है, हमने उसको अलग अलग डिफाइन करने के लिए कहीं थीटा डैश लिख दिया कहीं थीटा लिख दिया। ठीक है, इसने ये चीज पूछी कि जो थीटा की लिमिट है ना वो हमारे पास 1/2 की ओर होनी चाहिए, यानी थीटा की वैल्यू हमारे पास 1/2 होनी चाहिए। लेकिन हमने लास्ट में जो मल्टीप्लाई किया जब रिप्लेस किया तो वहां इसको थीटा माना है, थीटा डैश माना है। ठीक है, तो आप इसको थीटा भी मान सकते हैं नॉर्मल, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ हमारे पास थीटा डैश आ जाएगा। आप इस बात में कंफ्यूज ना हो कि हमें वैल्यू तो थीटा की निकालनी थी लेकिन हमारे पास वैल्यू आ गया किसके लिए, थीटा डैश की, क्योंकि इसी की तो वैल्यू निकालनी है ना, हमें बाकी फंक्शंस तो सारे एफ में ही है। तो आप चाहे तो यहाँ पे थीटा रख सकते हैं, अगर नहीं कंफ्यूज हो रहे तो चाहे आप थीटा डैश रख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे थीटा डैश लगाया तो आप थीटा डैश ही बढ़ा रहे थे। अगर आपको यहाँ सिंपल थीटा चाहिए तो आप स्टार्टिंग में जहाँ थीटा था वहां क्या लगा लीजिए, थीटा डैश लगा लीजिए, और लास्ट में आप किससे मल्टीप्लाई किससे रिप्लेस कर दीजिएगा, थीटा एच से रिप्लेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थीटा डैश की वैल्यू निकाल रही हूँ, वो हमारा थीटा ही है एक तरीके से। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से थीटा डैश की वैल्यू निकालू तो ये वाली इसके अपॉन में चलिए, देखो एच से एच कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ बचा क्या हमारे पास, एक तो 1/2। ठीक है, ऊपर इसमें क्या पड़ा हमारे पास, एफ डबल डैश एच प्लस थीटा वन एच अपॉन में हमारे पास एफ डबल डैश x प्लस थीटा थीटा डैश h। ठीक है, ये चीज आ गई। उन्होंने बोला था कि हमें थीटा की वैल्यू उस कंडीशन में 1
देखिए नेक्स्ट एग्जांपल चेक करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल में हमें क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, एग्जांपल थर्ड हमें दिया गया, पहले स्टेटमेंट सुन लीजिए। दिया गया है प्रूव दैट द नंबर थीटा व्हिच अकर्स इन द लाग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर hn / n फैक्टोरियल fn a + थीटा h ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ f इज a एंड a + h tends to 1 upon n plus 1 as h tends to 0 provided n plus 1 x is continuous at x equal a and fn plus 1 a is not equal to 0। मतलब क्या, जो चीज हमने लास्ट थ्योरम में प्रूव की थी यहां भी हमें वही प्रूव करनी है। लास्ट में हमें दिया गया कि थीटा की वैल्यू 1/2 होनी चाहिए, कब, जब f डबल डैश दिया गया था। इसमें दिया गया है कि हमें fn plus 1 जो है वो कंटीन्यूअस दिया गया और हमारे पास उसकी वैल्यू एक्जिस्टेड है जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो हमें थीटा की जो लिमिट निकालनी है वो 1 / n + 1 निकालनी है। ठीक है, तो सेम ही चीज है, इसमें बोला कि x इक्वल हमें क्या गिवन है, a गिवन है। ठीक है, तो एग्जांपल थर्ड कोई खास चेंज नहीं है, वही चीज आएगी हमारे पास। पहले देखिए मैंने लाग्रांज थ्योरम और टेलर्स थ्योरम जो थी लाग्रांज फॉर्म में वो यूज की थी। अब देखिए मेरे पास n टर्म है, तो लाग्रांज थ्योरम में सिंपल हमारे पास n टर्म नहीं होती है। ठीक है, हमारे पास किस में होती है, सिर्फ टेलर्स जो थ्योरम है लाग्रांज की उसमें होती है। तो हम दोनों स्टेटमेंट वही यूज करेंगे। ठीक है, हम पहले n टर्म के लिए यूज करेंगे टेलर थ्योरम ऑफ फॉर n टर्म्स। ठीक है, पहले हम n टर्म्स के लिए यूज करेंगे, देन हम n प्लस 1 के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, f a प्लस एच, क्योंकि f x इज इक्वल टू f का दे रखा है, f a प्लस एच f डैश a प्लस h स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश a। लास्ट हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, h n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल f n माइनस 1 a प्लस h n अपॉन n फैक्टोरियल f n a प्लस थीटा h। इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन हमें n प्लस 1 टर्म के लिए चाहिए, n एंड n प्लस 1 में इकट्ठे लिख देती हूँ। ठीक है, अब हम n प्लस 1 के लिए निकालेंगे, तो f a प्लस h इक्वल f a, बाकी सेम है, लास्ट में एक टर्म चेंज हो जाएगी, f a प्लस h f डैश a प्लस h स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश a प्लस एंड सो ऑन h n अपॉन n फैक्टोरियल f n a। ठीक है, लास्ट टर्म क्या आएगी, h n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल f n प्लस 1 a प्लस थीटा h। इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ये टर्म आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या, इक्वेशन फर्स्ट में से हम इक्वेशन सेकंड को माइनस कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। जैसे ही मैंने फर्स्ट वाले से सेकंड माइनस किया, तो ये देखिए f a प्लस h माइनस f a प्लस h जीरो हो गया। इधर हमारे टर्म चले, देखिए क्या क्या टर्म कैंसिल आउट होगी, इससे ये वाले टर्म और इससे ये वाले टर्म बचेगा क्या, यहाँ से कीजिए, तो यहाँ हमारे पास जब ये वाले टर्म तो हमारे पास पहले बनेगी इसमें। अब देखिए यहाँ h की है ना अपॉन n फैक्टोरियल f n a है, यहाँ a n a प्लस थीटा h है। ठीक है, तो फर्स्ट से हम सेकंड माइनस कर रहे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, h की n अपॉन n फैक्टोरियल f n a प्लस थीटा h माइनस h की n अपॉन n फैक्टोरियल f n a। ठीक है, एक चीज तो ये आ गई हमारे पास, और देखिए इक्वल में हमारे पास जीरो चल रहा है और ये
थीटा एच। ठीक है, एक तो ये टर्म आ गई हमारे पास। अब देखिए हम नेक्स्ट चेक करेंगे, तो यहाँ चेक करिए आप एफ एन ए प्लस थीटा एच माइनस एफ एन ए इक्वल एच अपॉन एन प्लस वन एफ एन प्लस वन ए प्लस थीटा एच। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट में आप एक चीज चेक करिए कि आपके पास लाग्रांज थ्योरम का एक स्टेटमेंट आता है कि आप एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इक्वल आपके पास क्या होता है एच एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच, ये चीज होती है हमारे पास। अब देखिए हमारे पास एक्स की जगह क्या चल रहा है, ए चल रहा है, और एच की जगह क्या चल रहा है, थीटा एच चल रहा है। आप कंपेयर करें तो एफ एक्स की जगह ए, एच की जगह थीटा एच, और यहाँ हमारे पास कोई डिफरेंस नहीं बनती है, लेकिन यहाँ हमारे पास एन टाइम्स है। जब यहाँ पर हमारे पास कोई भी, तो यहाँ एक डिफरेंशिएबल आया था हमारे पास, जब यहाँ पे एन टाइम्स है तो हमारे पास क्या आएगा एफ एन प्लस वन आएगा। ठीक है, एक्स की जगह हमारे पास क्या चल रहा है, ए चल रहा है, और एच की जगह चेक कीजिए हमारे पास थीटा एच चल रहा है। तो ए प्लस थीटा ए को लक्ष्य होकर देखिए मैं थीटा डैश एच लिख दूं, और मल्टीप्लाई में मेरे पास क्या चलेगा थीटा एच चलेगा। ठीक है, और इक्वल में हमारे पास क्या पड़ा है एच अपॉन एन प्लस वन एफ एन प्लस वन ए प्लस थीटा एच। ठीक है, ये चीज चल रही है हमारे पास थीटा एच एफ एन प्लस वन ए प्लस थीटा थीटा डैश एच इक्वल एच अपॉन एन प्लस वन एफ एन प्लस वन, ये चीज आ रही है हमारे पास। हमें यहाँ से वैल्यू किसकी चाहिए, थीटा की वैल्यू चाहिए, बाकी सारे इसके अपॉन में चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए एच से हमारा एच कैंसिल आउट हो गया, पीछे क्या बच गया थीटा की हमें वैल्यू चाहिए वन अपॉन एन प्लस वन, ये हमारी अलग टर्म पड़ी है एफ एन प्लस वन ए प्लस थीटा एच अपॉन में चेक कीजिए हमारा एफ एन प्लस वन ए प्लस थीटा थीटा डैश एच, ये चीज आ गई। हमें पता है कि थीटा की वैल्यू हमारे पास उसी कंडीशन में आएगी जब एच की लिमिट हमारे पास क्या होगी जीरो। अगर हमारे पास एच की लिमिट जीरो है तो अप्लाई करेंगे दोनों साइड लिमिट एच टेंस टू जीरो थीटा इक्वल हमारे पास लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन अपॉन एन प्लस वन एफ एन प्लस वन ए प्लस थीटा एच अपॉन में हमारे पास एफ एन प्लस वन ए प्लस थीटा थीटा डैश एच। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हम एच टेंस टू जीरो रखेंगे तो यहाँ से ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, हमारे पास सिर्फ यही बच जाएगा, ये खुद से कैंसिल आउट होने के बाद क्या बचेगा हमारे पास ओनली वन अपॉन एन प्लस वन, और इधर हमारे पास क्या आ गया थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई वन अपॉन एन प्लस वन। और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी कि हमारे पास थीटा की लिमिट क्या है वन अपॉन में एन प्लस वन। ठीक है, तो आज हमने टेलर थ्योरम पढ़ी है लाग्रांज की।